और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मध्य प्रदेश पुलिस के स्पेशल डीजी अभियोजन आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा का अपनी पत्नी के साथ बेदर्दी से मारपीट करने का वीडियो वायरल होने के बाद गृह विभाग ने उन्हें कार्यमुक्त कर दिया है। वे अब गृह विभाग में अपनी आमद देंगे। इस बीच एक और वीडियो सामने आया है जिसमें आईपीएस अधिकारी एक महिला के घर में है और उनकी पत्नी वहां पहुंच जाती है। आईपीएस शर्मा की कार्यप्रणाली पहले से ही विवादास्पद रही है। खबर है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इस अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। एमपी के स्पेशल डीजी आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा का एक दूसरा ही चेहरा है। अगर आप वायरल वीडियो को देखें तो अंदाजा लगा सकते हैं शर्मा घर में कितने निर्दयी हो जाते हैं। एमपी में हनी ट्रैप वाले मामले के समय भी दिल्ली में एक किराए का मकान लिए जाने को लेकर शर्मा की खूब चर्चा हुई थी। अब मारपीट वाले वीडियो में शर्मा बेरहमी से पत्नी को पकड़कर पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दो अर्दली भी वीडियो में महिला को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में आईपीएस का कहना है कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। वीडियो के साथ अफसर के बेटे का भी एक संदेश वायरल हुआ है जिसमें बताया गया है कि उनके बेटे द्वारा इस घटना की जानकारी गृह मंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी को देते हुए पिता के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से जब आईपीएस अधिकारी द्वारा उनकी पत्नी को बहरहमी से पीटने के वीडियो पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शिकायत आने पर कार्रवाई करेंगे। पहले आप गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात सुनिए। बीवी को पीटते हुए नजर आ रहे हैं, देखा और पढ़ा मैंने भी है, कुछ आधिकारिक बात आती है तो देखता हूँ, कुछ शिकायत अगर लिखित में आती है तो बता। बिकॉज सर वो एक आईपीएस ऑफिसर और आपको डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं आपके डिपार्टमेंट में, करेंगे रिपोर्ट तो देखें। नहीं सर, आप सो मोटो कॉग्निजेंस लेंगे क्या इसकी? मेरे पास में कोई शिकायत आएगी तो जरूर लेंगे। आईपीएस अफसर की हरकत के बाद आईपीएस बिरादरी को सांप सूंघ गया है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इस घटना से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। शिवराज सिंह के कहने पर ही शर्मा को कार्यमुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इस तरह की घटनाओं में सख्त कार्रवाई के पक्षधर हैं। कल भी आईपीएस शर्मा एक लड़की से मिलने उसके घर गए थे। ये खबर उनकी पत्नी को लग गई और उन्होंने अपने पति को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ क्या कानून कार्रवाई होगी ये बाद में पता चलेगा, लेकिन शर्मा का असली किरदार अगर समझना है तो इन दो वीडियोस को आप देखिए। What are you doing? Huh? Hello? Hello? That's one. हाँ, ये है तुम्हारा असली रूप। हाँ? ये है असली रूप। हाँ, हाँ, बिल्कुल है। किसी के यहाँ बैठना ये है। बैठी है, बात करेंगे थोड़ा सा। नाराज क्यों है? नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही। इसमें क्या करने वाली बात? जो करना है करने दीजिए। दिस माय लाइफ, माय लाइफ, शी इज माय वाइफ, शी हैज बीन चेजिंग मी। जब भी मैं बाहर जाता हूँ मुझे चेज करती है। मैं तुम्हारे आया हूं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम पे मेरा क्या अधिकार है? ठीक है, ये पति है मेरा, आपको जो करना है करिए। प्लीज सर, आप बैठिए। प्लीज, मैं आपसे मिलने आया हूँ तो क्या कर दिया मैंने? रेप किया है? रेप किया तो आप शिकायत करो, ये शिकायत करो। बट यू कैन नॉट चेंज माई लाइफ लाइक दिस। दिस इज माई लाइफ, आई विल कंटिन्यू टू दिस। आई हैव कॉट यू रेड हैंडेड टुडे। हाँ हाँ बिल्कुल, रेड हैंडेड, यस। वेयर यू स्लीपिंग विद हिम? क्या जरूरत पड़ गई थी साथी को यहाँ आने की?
एक बात पूछूं मनिका जी? ये तो शायद सी बात है कि तुम्हारा सपनों का राजकुमार तो है नहीं तुम्हारी उम्र का। जी जी जी। हैं बहुत बड़े हैं। हाँ। He's a grandfather। हाँ। फिर मजबूरी का फायदा कोई तुमसे नहीं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर उनको बैठ के बात करनी चाहिए ना जो भी वो है। क्या नहीं किया मैंने इस आदमी के लिए, इतना सैक्रिफाइस किया, इतना संयम रखा, इतना धैर्य रखा, और तुमको बाहर कुछ करना है तो कर लो, लेकिन घर में तो अच्छे से रहो अपनी बीवी बच्चों के साथ। कब से चल रहा है तुम लोग का ये? मोनिका प्लीज मैम, मैं बहुत चेज कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं 3 साल चाहे भी चेज और वो उनका तो मुझे नहीं पता। नहीं तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही मैंने पता किया। तुम अभी हैदराबाद गई थी इनके साथ? नहीं। आप समझ गए थे कि मैं ही होंगी बाहर? हेलो सर, आप बात तो करते प्लीज, आप ऐसे क्यों चले गए? नहीं ठीक है, तो आप बात तो करते ना एक बार के भी, क्या है वो है। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे मेरी बनती नहीं है उनसे, मेरी लाइफ है, मैं कैसे क्या क्या फर्क है, क्या नहीं किया इस आदमी के लिए मैंने?
रिमोर्स और होना ही है। इतनी कैची मारी है ना, एक दो, क्या कर रहे हो बता? किसी के यहां बैठने गया, बैठा हुआ हम पहुंच गई, तेरी औरत से इसके संबंध है? वो औरत के लिए साफ बैठी हुई वो लिखाए ना रिपोर्ट सारी। तो मारो आज मुझे, किल मी, नो किल मी, मारो मारो, किल मी, किल मी, मारो मुझे, मारो। क्या से मारो? I want to die, I want to die, I want to die, मार तो रहे हो। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के मुताबिक घटना रविवार दोपहर की है, जब आईपीएस अधिकारी अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा है। मारपीट की यह घटना अधिकारी के किसी महिला के साथ बैठने पर पत्नी द्वारा आपत्ति करने पर की गई नजर आती है, जिसका जिक्र शर्मा ने वीडियो में किया है। करीब 4.5 मिनट के वीडियो में आईपीएस अधिकारी पत्नी को कई बार बेरहमी से मारते हैं और अपशब्द कहते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति है। उक्त अधिकारी का नाम राजधानी के हनी ट्रैप मामले से भी जोड़ा जा चुका है, लेकिन उस दौरान भी कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आए थे। इसी तरह इस वीडियो की पुष्टि भी पुलिस के स्तर पर नहीं की गई है। पत्नी से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा ने बयान दिया है, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, ये मेरे और पत्नी के बीच का पारिवारिक मामला है। अगर वह मुझसे इतनी नाराज है तो मेरे साथ क्यों रहती है? मेरे पैसों का इस्तेमाल क्यों करती है? मेरे पैसों पर विदेश यात्राएं क्यों करती हैं? ये मेरा पारिवारिक मामला है, इसे मैं खुद सुलझा लूंगा। मैं मेरी पत्नी से लगातार संपर्क में हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये मामला सुलझा लिया जाए। ये सेल्फ डिफेंस के तहत झूमा झटकी का मामला है, मैंने कोई मारपीट नहीं की है, सिर्फ धक्का मुक्की और झूमा झटकी हुई है। वायरल वीडियो को लेकर कहा कि मेरी पत्नी और मेरा बेटा ही बता सकते हैं कि उन्होंने वीडियो क्यों वायरल किया। 2008 में भी वो मुझसे नाराज होकर शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि 2008 से आज 12 साल हो गए मेरे ही घर में रही हैं, मेरी सुख सुविधाएं भोग रही हैं, मेरे ही पैसों से विदेश यात्राएं कर रही हैं, मेरे ही सारी ले रही हैं। यदि मेरा स्वभाव इस तरह का मारपीट का होता, यदि मेरा स्वभाव मारपीट का होता तो डेफिनेटली बहुत पहले शिकायत आ जाती। पूरे घर में उन्होंने कैमरे लगा रखे हैं, ठीक है। जहाँ तक मारपीट का उनका संबंध है, एक सेल्फ डिफेंस भी होता है, लेकिन मैं पूरी स्वतंत्रता देता हूँ उनको और उन बेटे को कि यदि वो समझते मैं खराब हूँ, मेरे ऊपर कार्रवाई होना। आपके कहने पे मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, चूंकि पारिवारिक मामला है, क्राइम नहीं है कोई, ये क्राइम नहीं है, एक पारिवारिक मामला है। वीडियो में दिख रहे हैं आप पीटते हुए, झूमा झटकी होती है, पीटना नहीं होता है, झूमा झटकी कई बार हो जाती है लेकिन पीटना नहीं होता है। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ
और मैं कोई वायलेंट व्यक्ति नहीं हूँ। जहाँ मैं जाता हूँ स्टॉक करती हैं, किसी से मिलने में जाऊँ वहाँ पीछे आ जाती हैं, मैं कहीं जाऊँगा जाने नहीं देती हैं। तो ये एक मेरी समस्याएं हैं जिनसे मैं कर रहा हूँ। मैं परिवार को जोड़ने के लिए पूरा प्रयास करूँगा और अभी तक मैंने किया। पुरुषोत्तम शर्मा डीजी जिस तरह से, जिस बेरहमी से अपनी बीबी को पीटते नजर आ रहे हैं वीडियो में जो कि वायरल हुआ है, बेहद आपत्तिजनक है। महिला आयोग स्वयं संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन देती है, साथ ही सरकार से भी अपील करती है, गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से अपील करती है कि कानून की रक्षा करने का कर्तव्य जिन पुलिस कर्मचारियों का है, अगर वो खुद स्वयं कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, अपने बीवी बच्चों को मारते हैं और इस तरह के वीडियो वायरल होते हैं, तो किसी भी कंप्लेंट की जरूरत नहीं है। सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, डीजी पुरुषोत्तम शर्मा पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज आईसेट यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विद फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।